दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ऑड इवन के नियम को लागू करने जा रही है, लेकिन इस बार इस नियम को लागू करना और इसे सफल बनाना दिल्ली सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि 2016 में जब ये नियम लागू किया गया था तब के हालात और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। 13 से 17 नवंबर तक दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू होने जा रहा है। इससे पहले पिछले साल 2016 में जनवरी और अप्रैल में 15-15 दिनों के लिए ऑड इवन लागू हुआ था, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार के लिए ये कदम मुश्किल भरा होगा। 13 टू 17 नवंबर ऑड इवन लागू रहेगा एंड आई एम अपीलिंग टू ऑल रेजिडेंट्स दैट दे कोऑपरेट इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। ये नियम तभी सफल हो सकता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आरामदायक सफर दिल्ली वासियों को मिले, लेकिन ये हो पाना मुश्किल है। इसकी कई वजह हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार डीटीसी के बेड़े में 1000 बसें कम हो चुकी हैं। पिछली बार जब ऑड इवन लागू हुआ था तब स्कूल बंद थे, जिसकी वजह से स्कूलों की करीब 300 बसें दिल्ली सरकार को मिल गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार स्कूल खुले हुए हैं। मेट्रो का किराया करीब दोगुना हो चुका है, ऐसे में लोगों को मेट्रो के सफर के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल होगा। इस बार स्कूल खुले होने की वजह से गाड़ियों की संख्या सड़कों पर ज्यादा होगी। इस बार ऑड इवन के दौरान सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज खुले रहने के दौरान डीटीसी बसों और मेट्रो पर 50 से 75 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, और बसों की कमी और मेट्रो के बढ़े किराए के बीच दिल्ली सरकार ऑड इवन के दौरान किस तरह से दिल्ली वालों को आरामदायक सफर दे सकेगी, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से आरती पांडे के साथ कमल कंसल।